डियर स्टूडेंट्स, एक सेक्टर जो लगातार छूट रहा है वो है करंट अफेयर्स का। अब टाइम गिने चुने बचे हैं, 50 दिन 48 दिन बचे हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर आपकी रणनीति किस तरह से चल रही है, इसलिए कि इसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज करना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। हमारा ये मानना है कि अधिकतर छात्र अब इस उधेड़ बुन में हैं कि किस महीने से पढ़ें, किस मैगजीन को पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नोट डाउन करें, कैसे याद करें, कैसे ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाए। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं। देखिए, कल से करंट अफेयर्स के अब रेगुलर एपिसोड्स हमारी ओर से आएंगे, तो हमारी ओर से मैक्सिमम प्रयास होगा कि आपके इस समस्या का समाधान निकले। हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, बल्कि अब हमारा जो इम्फेसिस होगा वो बिहार और करंट अफेयर्स पे होगा, और थोड़ा बहुत हम प्रयास करेंगे अगर संभव हुआ तो इकोनॉमी में भी जहाँ तक संभव हो सके हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यही जो मेन सेक्टर्स हैं वो आपको समझ में या तो नहीं आते या उनके साधन बहुत ही सीमित हैं। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब आप कर रहे हैं, कर लेंगे, इसे हम लोग 10 टॉपिक्स में भी कर रहे हैं, ये आप भी कर रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। करंट अफेयर्स की अभी बात हो रही है, आप किस तरह से क्या करें। मेरा ये मानना है कि कम से कम किसी भी एग्ज़ाम के 6 महीने पीछे की तैयारी करंट अफेयर्स की सफिशियंट होती है, एक्सेप्ट 2-4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें तो अधिकतर प्रश्न 6 महीने के अंदर के ही होते हैं, एक्सेप्शनली 1-2 को छोड़कर। अब सवाल ये उठता है कि 6 महीने पीछे का क्या मतलब है। मतलब ये कि अगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 90% चांसेस है, कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि परीक्षा की तिथि बढ़ेगी क्या, तो आप ये मन से बिल्कुल निकाल दें, ये एक पल के लिए भी दिमाग में नहीं लाएं कि एग्ज़ाम बढ़ जाएगा, या बढ़ जाता तो बहुत अच्छा होता, जो बढ़ जाएगा ये हमारे लिए इंसेंटिव होगा, उसकी बात आप छोड़ दें। हम 16 दिसंबर को डेडलाइन मानकर चल रहे हैं। आप बिल्कुल घर में कैलेंडर बना लें और काटते जाएं एक एक दिन, कितने दिन बचे, ये काफ़ी लोग कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स की ये आदत होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये अच्छा तरीका है कि आप जितने बचे दिन हैं उनको कैलेंडर में काटते जाएं, कितने दिन बचे, जितने दिन भी बचे, 50 दिन लगभग बच रहे हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें। हमारा ये मानना है कि आप जून मंथ से टारगेट करें, जून मंथ से मैगज़ीन जो जून मंथ से आते हैं उनमें से किसी भी एक मंथली मैगज़ीन को, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उसको आप उलटना पलटना अच्छे से शुरू कर दें, उसके सारे कंटेंट को आप देख जाएं, उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। जब 6 महीने हमें करने हैं, मात्र 6 मैगज़ीन, तो फिर हम उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नवीनतम, आर्थिक, गेम्स सारे हमें करने हैं। अब 6 महीने का मतलब जून से हमें करने हैं। याद रखें कि जून के महीने में 1 महीने या 40 दिन पीछे के कंटेंट होंगे, 30 कम से कम 1 महीने पीछे के कंटेंट्स होंगे, मतलब मई महीने के, या उससे भी 2-4-10 दिन पीछे के कंटेंट्स होंगे। तो आप जून महीने के मंथ की मैगज़ीन को पकड़ लें, अगर आप कोई मैगज़ीन रेगुलर लेते हैं, वट एवर जो भी आप लेते हैं, आप उसको फॉलो करें। हम प्रतियोगिता दर्पण लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो प्रतियोगिता दर्पण लेती है, और ये इसमें निर्विवाद रूप से कोई दूसरी मैगजीन को अगर लेंगे तो फिर वहाँ पर मेजोरिटी नहीं आएगा। तो हम आपको जून महीने से लेकर टिल एग्ज़ाम प्रतियोगिता दर्पण बिल्कुल एकदम सफाई करवा देंगे, स्वच्छता अभियान चलेगा, कुछ भी उसमें से नहीं बचेगा, हम लोग ऐसा करेंगे, और ये बड़े काम का होगा। आप बिल्कुल इस बात को लेकर चलें कि ये बहुत बड़ा सेक्शन आपका कवर करेगा, और बाकी जो होंगे कंटेंट्स वो भी हम लोग कर देखेंगे कि केवल दर्पण नहीं, बाकी चीज़ें भी आए, तो ये करेंगे। हम आपके साथ प्रतियोगिता दर्पण जून के महीने से उठाएंगे कल से, और वो चलेंगे। आप भी जो भी मैगजीन को आप फॉलो करते हैं जून मंथ से, आप अभी करें, टाइम मिलेगा तो हम लोग 1-2 महीने और पीछे चले जाएंगे, लेकिन अभी जून मंथ से कोई भी मंथली मैगजीन को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन हम इस चैनल पे आपको प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करेंगे। आप लोग अगर जून मंथ से इसे उपलब्ध करा सकते हैं तो कर लें, आजकल सब चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, ये बहुत काम का है, बहुत क्रोनोलॉजिकली सिस्टमेटिकली इसमें रहता है। जून के मंथ से करंट हम लोग करेंगे, इसमें डिटेल्स रखेंगे। उसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी एक कॉपी बना लें, जिसमें जो जितने इंडेक्स हैं, युद्धाभ्यास हैं, सारे प्राइजेस हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राइजेस, सम्मेलन, उसके बाद कोई नया कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इस तरह का तो नहीं गठित हुआ, सरकार की कोई नई योजना तो नहीं चल रही है, इस 6 महीने के अंदर चली है, ये सब हम लोग करेंगे। तो ये सब आप सेक्शन वाइज कॉपी में बना लें, नोट डाउन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको, खासकर इंडेक्स,
युद्धाभ्यास, प्राइजेस, ये सब हमें करना है। देखिए नोबेल प्राइजेस की घोषणा हो चुकी है, इसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन पक्का हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं हमें करने हैं। आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स को करेंगे एज ए होल, कुछ भी हम लोग उसमें नहीं छोड़ेंगे जहां तक एज सुन एज पॉसिबल होगा। आप एक मैगजीन को ध्यान में रखें, ये सारे कंटेंट आप इकट्ठा करेंगे। आप एक और काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास जो दूर दराज के गांव में हैं या बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो लोग करें, ऑनलाइन पकड़ लें एक दो चैनल। करंट अफेयर्स पे भरमार है चैनल्स की, थोड़ा सा टाइम दें, एक दो चैनल अच्छे आपको दिख जाएंगे। अभी बीपीएससी से रिलेटेड बिहार के ही कई चैनल्स हैं, और भी हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, कई लोग हैं ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पर रेगुलर दे रहे हैं। तो आप इसे पकड़ लें, एक चैनल जो रेगुलर, जिसे आपको लगता है कि बहुत अच्छे कंटेंट्स इसमें हैं, आप उन्हें कंटिन्यू फॉलो करें करंट अफेयर्स के। और हम आपको करंट अफेयर्स में बहुत कुछ उपलब्ध कराएंगे, होपफुली हमारा जितनी हमारी क्षमता है वो हम आपके साथ रहेंगे। तो आप नेट को ऑनलाइन पकड़ लें। अगर शहरों में या जहां पर छात्रों के पास लाइब्रेरी की उपलब्धता है, देखिए कुछ घंटे लगेंगे, एक दिन कुछ घंटे लगेंगे, आप मई मंथ के अखबार को एक दिन जाएं, 2 घंटे दें, पूरे मई महीने के, चूंकि जून के मैगजीन में मई महीने का कंटेंट होगा, तो मई महीने के कंटेंट से आप उठाएं अखबार में। आप लाइब्रेरी अगर चले जाते हैं, 2 घंटा आप दें और जाके पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स को आप देख लें। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और सारे जो आएंगे, ये सब आप कर लें लाइब्रेरी में जाकर, अगर आप दे सकते हैं टाइम। काफ़ी लोग हम जानते हैं कि लाइब्रेरी जाते हैं, उनके अगल बगल ही लाइब्रेरी है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। तो आप 2 घंटा दें मई महीने, एक दिन साफ। तो इस तरह से आप करें और ऑनलाइन पकड़ें, हम आपके साथ रहेंगे। जून महीने के से हम लोगों को चलना है, प्रतियोगिता दर्पण संभव हो तो आप ले लें, इसे हम लोग करेंगे। और कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, प्रादेश इंडेक्स, ये सब सम्मेलन, ये सब पर पैनी निगाह रखनी है। करंट अफेयर्स में 2 से 3 क्वेश्चंस ही आपके कंफ्यूजन के रहने चाहिए, बाकी आपको सही आंसर्स करने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, समझौता संधियां जो हुई हैं, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच, भारत ने अलग अलग देशों के, पिछली बार तो इसकी बाढ़ सी आ गई थी ऐसे प्रश्नों की, हो सकता है इस बार ये पैटर्न ना चले, लेकिन हम इस बार भी इस पैटर्न को अच्छे से करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कनाडा के PM आए और भारत के PM के साथ एक समझौता हुआ, बायलैटरल, दो देशों के बीच, और क्या निकल कर आया, तकनीक के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, हमने क्या समझौता की बुलेट ट्रेन के संदर्भ में। तो ये सब हमें देशों के साथ इस तरह के द्विपक्षीय समझौतों को भी करना है। तो ये सब आप करंट अफेयर्स में करें। करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत कंसोलिडेटेड फॉर्म में करेंगे, साथ ही बिहार का सेक्शन बचा हुआ है वो भी होगा, और NCERT की जो बात चल रही थी उसे भी हम लोग करेंगे। NCERT 26 तारीख से, 26 या 27, होपफुली 26 से या 27 से, एक दिन हो सकता है आगे पीछे हो, वो हम घोषणा उसकी हम लोग करेंगे। आप संभव हो तो वो NCERT जो पुरानी वाली चलती थी, दरअसल अब नए 4-4 फॉर्म में आ गया है, वो नहीं, जो पहले चलती थी वो वाली 11th 12th की एंशियंट और मॉडर्न आपको NCERT लेना है। आप BPSC के आयोग के ऑफिस के पास आ जाए, वहाँ पर बहुत सारे बुक शॉप्स हैं, वहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएंगे। नहीं तो आप पटना कॉलेज के पास अशोक राजपथ आ जाएं, वहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा, मिलना ही है। आपको बोलना है कि जो पहले NCERT चलती थी, 11th और 12th लिखा हुआ होगा, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, 11वीं और 12वीं की आपको लेना है, ये आप ले लें अगर संभव हो तो। लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है तो आप चिंतित ना हो, आप हमारे एपिसोड्स देख लें, हो सकता है कि उससे भी आपका काम चल जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के मोटिवेटेड रहें, इसे हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। टेक केयर।